चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में शनिवार की रात एक युवक की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हत्या का मकसद साफ नहीं है। आरोपी का कहना है कि गलत पहचान की वजह से दूसरे युवक की जान चली। राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज मर्डर, घर में घुसकर युवक को उतारा मौत के घाट, गलत पहचान से गई युवक की जान। शनिवार को दिल्ली का फतेहपुर बेरी इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। घर में घुसकर 27 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। हर रोज की तरह राहुल नाम का शख्स अपने परिवार के साथ खाना खाकर आराम कर रहा था, तभी किसी ने अचानक दरवाजा खोलकर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। कपड़े लेकर आया था बैग में, सारे पैक पुक करके, मतलब उसका इरादा यही था कि मैं गोली मार के और कपड़े चेंज करके, नंबर प्लेट चेंज करके और यहाँ से फरार हो जाऊँ, ना किसी को देखूँ। इधर पुलिस पूछताछ में आरोपी करण ने बताया कि उसका संजय नाम के एक शख्स से पैसों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। उसी का बदला लेने के इरादे से उसने युवक पर गोली चला दी। गोली राहुल नाम के शख्स को लग गई। फिलहाल परिजन आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आरोपी करण पकड़ा गया है, वही इस पूरी हमला में शामिल था या किसी के कहने पर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, ये सारी चीजें अब आने वाले दिनों में क्लियर होंगी। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, फतेहपुर बेरी, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।